सरदार शहर में परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए और इस सीट का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है कि 15 में से 16वां चुनाव था, एक बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कार्यकर्ताओं ने हालांकि परिश्रम किया, नेताओं ने समय नियोजित किया, लेकिन एक सहानुभूति और दूसरा ठीक 8 महीने बाद के चुनाव वहां के मन मस्तिष्क पर थे और इसलिए परिणाम हमारे विपरीत रहे। पर मैं फिर भी सरदार शहर की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को दिए गए समर्थन के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कार्यकर्ताओं को भी उनके परिश्रम के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि ये उपचुनाव कांग्रेस जीतने से खुशफहमी में हो सकती है, लेकिन 2023 के न मुद्दे बदले हैं न दिशा बदली है। 2023 में ये सीट भी और राजस्थान में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, क्योंकि मुद्दे वही हैं। इस समय हो सकता है उन मुद्दों पर जनता ने मतदान न किया हो, लेकिन अपराध, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लेकर जो बुनियादी विकास है, वो इस आगे के चुनाव में एक बड़े मुद्दे होंगे और वो सत्ता परिवर्तन का कारक होंगे, क्योंकि राजस्थान में एक तो जनधारणा है, हर बार सत्ता बदलती है, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है और तीसरा हम और परिश्रम करेंगे, गलतियों से सबक सीखेंगे।